हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम देखेंगे एकोनाइट का पार्ट टू और उसके आगे के सिम्टम्स तो इस एग्जाम्स में एकोनाइट के ड्रग पिक्चर ट्वेंटी मार्क्स के पूछे जाते हैं मेंटल्स फाइव मार्क्स के पूछे जाते हैं और फीवर फाइव मार्क्स के पूछे जाते हैं तो अब हम देखेंगे इसके फीवर के सिम्टम्स के बारे में एकोनाइट इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर फीवर इसके कॉजेशंस हैं एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विन्स ड्राई नॉर्थ विंड और वेस्ट विंड और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर वाइल्ड इन परस्पिरेशन बैड इफेक्ट ऑफ चेक परस्पिरेशन फीयर फ्राइट शॉक हीट ऑफ सन एंड एक्साइटमेंट तो इसका कॉजेशन में ये है कि ठंडी हवा लगने से ठंडी हवा के एक्सपोजर से फीवर अगर आता है तो उसमें हम एक्ोनाइट के बारे में सोच सकते हैं बैड इफेक्ट ऑफ चेक्स परस्पिरेशन फियर फ्राइट और शॉक में भी हम एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं अब फीवर का मोड ऑफ ऑनसेट है स्टार्ट्स वेरी सडनली एंड वायोलेंटली सिम्टम्स ऑफ फीवर में देअर इज सडन एंड वायलेंट अटैक ऑफ फीवर विथ हाई राइज ऑफ टेम्परेचर सीवियर चिल इन द बिगिनिंग वायलेंट एंड मोर चिल इन द इवनिंग एंड एट नाइट तो सडन एंड वॉयेंट अटैक होता है फीवर का विथ हाई राइज ऑफ टेम्परेचर बट विथ इंटरनल हीट द एक्यूट फीवर इज जनरली ऑफ शॉर्ट एंड शार्प अटैक देर इज नो प्रियोडिस व्हाट एवर The most violent attack of fever requiring aconite will subside in at night. No other drug is needed. Aconite should never be given to control the fever, never should be alternated with fever or with other drug for that purpose. This point is quite important. If simple fever, hai, just to control the fever, aconite is never given. तो एकोनाइट का फीवर के समय फेस रेड और पेल रहता है या फिर रेड और पेल दोनों रह सकता है और फ्राइटेंड और एंशियस एक्सप्रेशन रहते हैं उसके फेस पे ऑन राइजिंग फेस पे डेडली और पेल एक्सप्रेशन होते हैं और वो ड्रीजी फील करता है स्किन ड्यूरिंग फीवर, फीवर स्किन ड्राई एंड हॉट रहती है विद बर्निंग सेंसेशन फीवर में स्वेट जो होती है वो ड्रेंचिंग होती है और स्पेशली ऑन लेट पार्ट्स ऑन विच रिलीव्स फीवर में थर्स्ट स्पेशली हीट स्टेज में होती है

जनरल मोर्टेलिटीज में एग्रवेशन इवनिंग एंड एट नाइट में होती है एंड वेन इन वार्म रूम एंड वेन राइजिंग फ्रॉम द बेड एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड और एफेक्टेड साइड सो गाइज दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एम्यूरेशन इन ओपेन तो ये थी एक्नाइट मेडिसिन अगर आपको किसी टॉपिक पेडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे थैंक यू सो मच